इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने 6 अगस्त को सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में जमानत मिल चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार यानी कि आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में आज फैसला सुना दिया है।